अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवन्थ क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम पहले कुछ डेफिनेशंस करते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नेम है डेसिमल्स। पहले डेफिनेशन देखते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द डेसिमल। डेसिमल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है जो किसी भी नंबर पे जाके स्टॉप हो जाए, जैसे 7.543 स्टॉप हो गया, 7.2 स्टॉप हो गया। ये कौन से एलिमेंट्स होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो स्टॉप नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 7.555, 2.3333, ये कोई भी स्टॉप नहीं होते, तो ये क्या बन जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? टर्मिनेटिंग। और जो स्टॉप नहीं होंगे वो क्या बन जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर आए तो रिपीटिंग कहलाता है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है, नॉन रिपीटिंग और इरेशनल्स का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं आए, कुछ भी आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रिपीटिंग। हम पहले MCQs देखते हैं कि पहले MCQs में क्या कह रहा है। कहते हैं कि द रेशनल द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड इट्स रेडियस। तो जो एक सर्कल के दरमियान का डिस्टेंस है रेडियस तक का, उसको क्या कहते हैं? वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एलिमेंट्स होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जितनी भी हो। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि 5.36 आफ्टर द राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंथ। मतलब कहते हैं कि 5.6 को राउंड अबाउट करके बताएं कि ये कितना बनता है, और टेंथ वैल्यू पे, क्योंकि टेंथ नंबर पे 3 बनता है, तो हमने क्या करना है? पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होगा उसके अंदर ये ऐड कर देना है, तो ये राउंड अबाउट हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि 100 डिजिट पे करना है राउंड अबाउट, तो हम 6 में ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है 7। अब इसने हमसे पूछा है कि राउंड अबाउट करके बताएं टेंथ नंबर पे, तो हमने इसलिए इसके अंदर कर दिया है 3 में। नेक्स्ट करते हैं कि कहता है कि 0.2727 को राउंड अबाउट करो कहाँ पे? 1000 पे। 1000 कहाँ पे बनेगा? इधर 2 पे, 1, 2, 3। 1000 में 3 जीरो आते हैं तो इधर बनेगा, तो हम किस जगह पे राउंड अबाउट करेंगे? 2, 7 और 2 इसकी जगह पे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं विच डेसिमल्स इज़ इक्वलेंट टू 1/100। 1/100 किस डेसिमल के इक्वलेंट है? अब हमें अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो ये देखें 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो, 1 जीरो आ जाएगा और 1 नंबर आ जाएगा। अगर इधर 1000 होता तो ये बन जाता 0, 2 जीरो लग जाते और 1 लग जाता। ये ऐसे इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि राइट द पीरियड ऑफ। पीरियड का मतलब होता है जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं ना वो। अब इसके अंदर रिपीट नंबर कौन से हैं? 0.13131। अब ये दोनों नंबर इसके अंदर क्या हैं? रिपीटेड। तो इसके अंदर रिपीटेड नंबर क्या बन जाएंगे? 13। नेक्स्ट करते हैं कि राइट द पीरियड ऑफ। अब इसके अंदर देखें रिपीटेड नंबर कौन से हैं? कहते हैं कि 9.1724724। अब 1 के अलावा 724724 इसके अंदर रिपीट हो रहा है, तो 724 इसके अंदर क्या बन जाएगा? पीरियड बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में कहता है कि इसमें 0.45 इज़ नॉट इक्वल। ये किसके इक्वल नहीं है? ये भी आंसर करेक्ट है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट को ख़त्म करके, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो तो उसको हम 14.100,000 में लिख सकते हैं, 9/20 भी लिख सकते हैं, और 0.45 ये तो राइट ही लिखा हुआ है, बट ये नहीं हम लिख सकते पॉइंट और उसके बाद हम 100 भी लिख दें, तो ये नहीं इक्वल, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि विच वन इज़ नॉट रिकरिंग ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा नंबर रिपीटिंग नहीं है? ठीक है, 9/7, बट आप लोगों ने इसको चेक कर लेना 1/1 डिवाइड करके, जो आंसर मतलब नॉन रिपीटिंग हो, जो आंसर रिपीट नहीं हो रहा और चलता जा रहा हो, स्टॉप नहीं हो, तो वो आंसर होगा। आप लोगों ने 1/1 सबको चेक कर लेना कि इसका आंसर क्या बनता है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं कि 5.277 राउंड्स ऑफ द नियरेस्ट 100। अब इसको 100 नंबर पे हमने क्या करना है? राउंड अबाउट करना है 5.277 को। 100 क्या बनता है? 7 पे आके, तो हमने क्या कर देना है? 5.27 की जगह पे एक ऐड कर देना है। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है 100 वाली जगह पे
डाउन अबाउट करने हैं तो 5.2 और 7 को एक ऐड कर देना है। अच्छा नेक्स्ट कहता है कि 0.223 अप टू द नियरेस्ट 100, इसको भी हमने 100 वाली पे कैलकुलेट करना है तो 0.223 तो 100 क्या है ये, तो ये आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नेम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि 2 की पावर, कोई भी पावर में वैल्यू लिखी हो ये एक्स की एक्सपोनेंट बन जाती है, ठीक है, एक्सपोनेंट बन गई, और जो इधर लिखी हुई होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। अच्छा और 32, इसके जितने भी फैक्टर बनते हैं मतलब इसको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 32 बन जाता है, इसको 5 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, तो ये इसके क्या बन जाएंगे, सारे फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंट को फाइंड करने के रूल। अच्छा एक्सपोनेंट के फाइंड करने के रूल, पहला लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, अगर दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो और बेसिस सेम हो और ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, बेसिस मतलब 2 और 2 सेम हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो 2 की पावर एक बार लिख के ऊपर वालों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो और उसकी बेसिस सेम हो, इसकी 3 है इसकी 2 है, ये मतलब 4 इधर और 4 इधर, ये बेसिस सेम हो तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 4 3 - 2 तो ये बन जाएगा 1, 4 की पावर 1। अगर डिवाइड हो रहा हो और बेसिस मतलब ये सेम हो तो नंबर डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और किसी की पावर 2 की पावर 5 हो और मल्टीप्लाई हो रही हो आपस में, तो वो दोनों की दोनों मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करके 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 10, ठीक है। बाकी हम इसके ये इधर इनके रूल लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट रूल मल्टीप्लिकेशन का लिखा हुआ है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम हो तो ऐड हो जाती है, दूसरा लिखा हुआ है अगर दोनों की बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तीसरा लिखा हुआ है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम ब्रैकेट के बाहर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम सॉल्व करते हैं 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4 2 4 2 ज़ा 8 8 इसका आंसर आ जाएगा, ये देखें। नेक्स्ट कहता है इन द अबव इक्वेशन इज बेसिस, अब कहता है कि 2 की पावर 3 इसके अंदर बेस क्या है, ये जो ये रकम होती है ये होती है बेस, और जो इसकी पावर में लिखी हुई होती है ये एक्सपोनेंट होती है। अच्छा अब नेक्स्ट में कह रहा है कि 6, इसको फाइंड आउट करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है और हमने फिर इसका आंसर निकालना है, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 64, इसका आंसर आ जाएगा 64, ये इधर लिखा हुआ है 64 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि 4 × 5 उसकी पावर 2 को मल्टीप्लाई करके लिखें क्या बनता है, ठीक है। अब हम पहले 5 को, अब हम पहले क्या करते हैं 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 25, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 100, इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। अभी हमने रूल पढ़ा है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रही हो और ये बेसिस होती हैं सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो आप लोगों ने इनको ऐड करके लिख देना है ऐसे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार वीडियो कंप्लीट देख लें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोग एक बार तो लाजमी कर लें इन क्वेश्चंस को ना, ये UPSC के एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल करेंगे।